एट्थ क्लास 2022 के लिए जो साइंस के वीडियोस में बना रहा हूँ उसकी तीसरी सीरीज है, यानी आज तीसरा पार्ट है और इस चैप्टर का नाम है तुम्हारे धातु और अधातु। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाने हैं वो मैंने सारे बता दिए हैं, इसके अंदर लिख दिए हैं। अब एक एक क्वेश्चन को मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि भाई किस तरीके से पूछा जा सकता है। सारा अच्छे से याद कर लोगे तो इस चैप्टर से तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कि पहली लाइन है कि पहले मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि इसमें जो है वो है, इस चैप्टर का नाम है हमारे धातु व अधातु। तो आपको याद ये रखना है कि इसमें से धातु और अधातु के बारे में ही पूछा जाना है। जैसे कि जो पूछने लायक क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम कवर नहीं करेंगे, केवल हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके धातु से है, कुछ क्वेश्चंस आपके अधातु से। तो पहला है जैसे कि आपके मरकरी, जिसका प्रतीक होता है आपके HG। पारा केवल ऐसी धातु है, इस बात को नोट डाउन करना बेटा, धातु की बात कर रहा हूँ, केवल ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पे किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। आगे जाके जब तुम दसवीं में पहुँचोगे तो ये चीज़ें वापस आएंगी, ये क्वेश्चंस वापस आएंगे तुम्हारे। और अगर तुम आगे साइंस लोगे, साइंस पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन ऐसे लगेंगे तुम्हें, बहुत छोटे क्वेश्चन से। ये सोडियम यानी कि इसका प्रतीक होता है Na और पोटेशियम इसका प्रतीक होता है K। तो ये दो ऐसी धातुएँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा नरम है, मुलायम है, तो इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब क्वेश्चन तुम खुद समझ सकते हो कि ऐसी धातु जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाए, धातुओं का जो गुण है वो ये है, कठोर होती है। कठोर का मतलब ये ठोस होती है, ठीक है। दूसरा है कि ये नरम, तो ये इनके गुण से थोड़ा अलग है चीज़ें। भाई ये क्वेश्चंस पूछने का कारण क्या रहेगा बोर्ड के अंदर, कि ये जो इनकी मेन प्रॉपर्टीज है उससे थोड़ा अलग व्यवहार में हमें देखने को मिल रही है, इसलिए ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है एक क्वेश्चन आपके कि जब कॉपर CU कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक, कॉपर का मतलब आपके तांबा, जो हम पानी वगैरह पीते हैं तांबे के लोटे से, अगर लंबे समय तक आप नम वायु का मतलब क्या होता है, ऐसी वायु जिसमें पानी की थोड़ी मात्रा हो, जिसे हम आर्द्रता के रूप में पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें 8वीं और 7वीं दोनों क्लासेस में ये पढ़ाया है आर्द्रता। तो 8वीं क्लास में तुम्हें पता है कि आर्द्रता के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ, यानी कि ऐसी वायु जिसके अंदर पानी की थोड़ी मात्रा हो। अब आप सोच रहे हो पानी की मात्रा वायु में कैसे, याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि बरसात के दिनों में जैसे हमारी चीनी है, नमक है, तो वो कैसे हो जाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म होती है लेकिन फिर भी वो चिपकने लगते हैं, ऐसे भुरभुरे से हो जाते हैं वो, क्यों कि नमी आ जाती है उनके अंदर, खुला रखा जाता है। यानी हमारी लाइन है कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु मतलब पानी वाली वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी रंग की, किस रंग की, हरी रंग की परत जम जाती है। यह हरा रंग कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर OH को बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट CU, कॉपर CO3 होता है, कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अब ये जो हरा पदार्थ है ये क्या है, ये क्या है बेटा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का क्या है, मिश्रण है। यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दोनों मिलके हरे पदार्थ के रूप में हमें दिखाई देते हैं ये। इसके अलावा है आपके कि फास्फोरस आयोडीन और ब्रोमीन ये क्या है, अधातुएं हैं। अब धातु अलग है, अधातु अलग है। सामान्यतः अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती है लेकिन वायु में बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है धातुएं, जैसे कि फास्फोरस। इसके अलावा जैसे फास्फोरस का एक करैक्टर है कि फास्फोरस बहुत ज़्यादा सक्रिय है धातु, ये वायु में खुला छोड़ दिया जाए अगर फास्फोरस को तो ये आग पकड़ लेती है, ठीक है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो इसलिए उसे जल में रखा जाता है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा तुम्हें हिस्ट्री बता देता हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाया था कि जुगनू जो होता है, लाइट इमिट करता है, तुम्हें पता है जुगनू, जैसे रात को तुम देखते हो
तो एक ऐसा मतलब इंसेक्ट्स है कि कीट है जो कि रात में जब चलता है तो चमकता है, वो क्या करता है कि फास्फोरस का उत्सर्जन करता है, और जैसे बेटा फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आती है वो रिएक्ट करती है और लाइट इमिट करती है, यानी कि चमकती है। क्यों? कि फास्फोरस जलता है, एकदम अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ। इसके अलावा मैं तुम्हें बात करूँ कि जैसे आपकी दिया सलाई होती है, माचिस पे फास्फोरस लगी होती है, जो पटाखे होते हैं दिवाली के फाइवर्स, उनके अंदर भी फास्फोरस पाया जाता है, तो आप देखते हो कितनी रोशनी होती है पटाखों की वजह से। ब्रोमीन एक ऐसी मात्र धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब बेटा इस क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर ने घुमाया तो किस तरीके से घुमा सकता है, देखो आप क्या करोगे, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये आंसर भी कर सकते हो। आप केवल इस लाइन को मत देखना कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, आप ये भी जरूर देखना कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम पूछा है या फिर अधातु का नाम पूछा है। अगर अधातु का नाम पूछा है तो आपको देना है ब्रोमीन Br, और अगर धातु का नाम पूछा है तो आपको आंसर देना है मर्क्यूरी, क्योंकि ये दोनों ही द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के सामान्य टेम्परेचर पर, ठीक है। इसके बाद में है कि सोडियम एक ऐसी धातु है जो बहुत ही अभिक्रियाशील होती है ऑक्सीजन और जल के साथ, अत्यंत तीव्र क्रिया या अभिक्रिया करती है। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी केरोसिन में रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया था, सोडियम की बात बताई थी कि सोडियम एक ऐसी धातु है, छोटे छोटे टुकड़े टाइप में होती है, अगर उसको हम बाहर देखें तो वो क्या, जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो रिएक्शन करने लगेगी, आग लगा देगी। अगर जैसे आपने देखा होगा कोई जादूगर है, वो पानी के अंदर आग लगा रहा है, तो वो क्या कर रहा है बेटा, पानी के अंदर सोडियम के टुकड़े फेंक रहा है, और आप सोच रहे हो वाह क्या आग लगा दी पानी के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि सोडियम मोर रिएक्टिव है, तो जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा, अग्नि उत्पन्न कर देगा, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा जिससे आग लग सकती है, ठीक है। फिर आपके जो थोड़े अंदर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैंने देखे आपके पाठ्यपुस्तक में, जैसे कि नींबू का अचार है। अब नींबू के अचार को बेटा कभी भी एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता, तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम और तांबे से नींबू के अचार में, आपको पता है नींबू के अंदर एक अम्ल पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल क्या करेगा कि धातु से क्रिया करेगा, धातु ऑक्साइड बना देगा, तो वो जहर का काम कर सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। इनके बर्तनों में कभी भी नींबू का अचार नहीं रखा जाता, एल्युमिनियम हो चाहे अन्य कोई धातु, मिश्र धातु जो होते हैं हमारे बर्तन उनमें रख सकते हैं। फिर है आपके कि एल्युमिनियम से एक क्वेश्चन बनेगा कि एल्युमिनियम की पन्नी जो होती है उसमें आराम से हम हमारे खाद्य पदार्थ को लपेट के रख देते हैं, वैसे तो नींबू भी खाद्य पदार्थ है, तो एल्युमिनियम की पन्नी क्या करती है कि रिएक्शन नहीं करती खाद्य पदार्थ इतने ज़्यादा, पर डायरेक्टली एल्युमिनियम कर सकता है। फिर है आपकी कि निमजन छड़े क्या होती है, निमजन जो छड़े हैं या फिर आपके इमर्शन रॉड्स क्या होती है, ये बेटा सबकी सब किसकी बनती है, धातुओं की। जैसे आपके घर में जो बल्ब लग रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके घर में जो बल्ब लग रहा है उस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है इस तरीके से, वो फिलामेंट किसका बना होता है, डब्लू टंगस्टन का। तो टंगस्टन जो धातु है वो क्या है आपके, एक इमर्शन रॉड के रूप में काम कर रही है। तो आपको पता है कि जब भी हम लोहे को गर्म करते हैं, एकदम जैसे रात को भी अगर सपोज लो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है और आपने लोहे को गर्म कर दिया, तो लोह कैसा दिखता है आपको, लाल, थोड़ी बहुत ऊष्मा उत्पन्न करता है, आपको दिखती है जगह, हाँ इसी तरीके से। अब है आपके कि कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर का मतलब आपके तांबा। अब कॉपर की क्रिया अगर H2SO4 अम्ल से करवा दी जाए तो ये जो SO4 है ये कॉपर के साथ जुड़ेगा और कॉपर सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, पॉप पटपट की आवाज़ निकालेगी वहाँ से, ये 10वीं क्लास में आपके प्रैक्टिकल है। फिर अगर कॉपर सल्फेट है उसकी क्रिया अगर दोबारा लोहे से करा दी जाए तो लोहे क्या इससे मोर रिएक्टिव है, इसलिए ये क्या करेगा कि सल्फेट को अपने साथ लेगा और आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर क्या होगा, बाहर हो जाएगा आपके, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है दूसरी वाली, इसे हम कहते हैं विस्थापन, ठीक है आपके। एक चीज़ और है कि जिस तरीके से कॉपर को आयरन है
यानी कि आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। क्या कॉपर और जिंक के बीच में भी कोई रिलेशन हो सकता है? क्या जिंक को कॉपर रिप्लेस कर सकता है? नहीं, क्योंकि जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है बजाय कॉपर के। अगर कोई वस्तु जिंक, जैसे जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट को कॉपर के साथ क्रिया कराएं तो कॉपर इस जिंक को नहीं हटा सकता, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक, ये क्वेश्चन से। और एक आपके दांतों के गुण से रिलेटेड क्वेश्चन है, दो यही पूछे जा सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं। एक तो आएगा आपके आघात वर्जनता, इसका मतलब होता है किसी भी धातु को पीट पीट के चादर या सीट बनाना, जो हमारी टीन वगैरह देखते हो ना आप, ये जो टीने हैं हमारे घर के बाहर। और एक है तयनता, ठीक है, तयनता का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु यानी कोई भी धातु है उसको खींच खींच के तार के रूप में बदलना, जैसे एल्यूमिनियम के तार बनाते हैं हम, तांबे के तार बनाते हैं। तो ये दो चीज़ें और आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा ईंधन के रूप में हम क्या जलाते हैं, तो कार्बन, जितनी भी लकड़ियाँ वगैरह हम जलाते हैं तो कार्बन क्या है, धातु है। इसके अलावा आयरन की क्या बन सकती है, मशीनें। इसके अलावा जैसे कि आभूषण सोने के बनते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके चुटपुट पूछ सकते हैं। पर जो मेजर जो क्वेश्चन हैं जो आपको दिक्कत करेंगे, वो इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से सॉल्व करोगे। तो ये आपका वीडियो की जो सीरीज है वो पार्ट कौन सा है, थर्ड। दो वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले, फर्स्ट एंड सेकंड। एग्ज़ाम होने से पहले एक एक वीडियो को लगभग दो दो तीन तीन बार देख लो, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा, ए प्लस आएगा साइंस में इसलिए। और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो मेरे को, पूछ लो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं दूसरे वीडियो में उस चीज़ को समझा दूंगा आपको।